और ये देखिए, ये आंगनवाड़ी में जो सूखे दूध का पैकेट मिलता है, मिल्क पाउडर, तो उससे ये बर्फी बनाई है। तो बर्फी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने देखिए आधा गिलास पानी डाला है और उसमें थोड़ी सी चीनी डाली है, क्योंकि मैं इसमें एक से 1.5 गिलास दूध डालने वाली हूँ। और ये मिल्क पाउडर है, ये भी मीठा होता है, आप अब चाहे तो चीनी डाल सकते हैं, वरना स्किप कीजिए। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी चीनी डाली है, क्योंकि मिठाई कोई भी हो मीठी ही अच्छी लगती है। और यहाँ पर देखिए मैंने 1 गिलास दूध डाल दिया है, 1 से 1.5 गिलास। और यहाँ पर इसको बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर ये जो गूंथ लिया है इसको बिल्कुल अच्छी तरह से ख़त्म कर देंगे, इसको चला चला कर। इसको कम फ्लेम पर चलाना है, गैस का फ्लेम बिल्कुल कम करना है, और इसे लगातार कंटिन्यू चलाते रहना है, जब तक इसमें ये जो गूंथ लिया है अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए, और इसे चलाते ही रहना है। ये बर्फी है, इसे बनने में कम से कम आधा घंटा लगता है। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और ये देखिए इस मिल्क पाउडर में ये फ्लेवर है ग्रीन, तो ये ग्रीन बर्फियाँ बनेंगी। और ये जो मिल्क पाउडर मिलता है आंगनवाड़ी में बच्चों से, तो आप उससे इस तरीके से बर्फी बना सकते हैं। ये मिल्क केक जैसी बर्फी बन जाती है, बिल्कुल जैसे मिल्क केक होता है। और यहाँ पर मैंने 2 चम्मच घी डाल दिया देसी, और इसे फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको चलाते रहना है कंटिन्यू इसे, वरना ये नीचे चिपक जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर मुझे चलाते हुए 10 मिनट हो चुके हैं लगभग, और ये घी है जो, इसे भी बिल्कुल अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। और आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए ये जो बच्चों को मिलता है मिल्क पाउडर, तो इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इसे कम से कम 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। और इसे फिर से देखिए इस तरीके से बिल्कुल अच्छी तरह से चलाते रहना है, क्योंकि नीचे चिपकना नहीं चाहिए ये, वरना जल जाएगा। और ये ऐसे ही खदक खदक कर बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी, मिल्क केक जैसी बर्फी बन जाएगी। और यहाँ पर देखिए मैंने 1 चम्मच घी और डाला है इसमें, और आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर दीजिए। और ये ग्रीन फ्लेवर वाली बर्फी है जो बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। और बिल्कुल इसको अच्छी तरह से इस तरीके से देखिए, ये ऐसे लग रहा है, ये थोड़ा सा नीचे लग गया था ये इसमें, पर मैंने इसको बिल्कुल अच्छी तरह से इस तरीके से कर लिया है, मिक्स कर लिया है फिर से। और ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया है ये, आधा घंटा के करीब हो गया है ये इसे चलाते हुए मुझे। इसको नीचे नहीं चिपकने देना है, इस तरीके से चलाते रहना है बस। और बर्फी है जो आपकी बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। और ये देखिए इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। और ये देखिए आपको नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल मिल्क केक जैसा बन गया है। और इसको इस तरीके से चलाते रहना है। और ये देखिए यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम है जो बंद कर दिया है। और यहाँ पर एक थाली में मैंने ये सिल्वर पेपर रखा, आप चाहे तो मटर पेपर रख सकते हैं। और इसको फ्रिज में रख दिया था मैंने आधा से 1 घंटा के लिए। और ये बर्फी ये जो जम गई है, देखिए इस तरीके से जम गया ये मिल। और इसकी ये बर्फियाँ काट लिया मैंने इस तरीके से, और ये बहुत टेस्टी मिठाई बनती है इस तरीके से, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये देखिए
बिल्कुल मिल्क केक जैसा दिखता है ये बनने के बाद। और इसमें कई लोग कहते हैं बहुत बुरा, मतलब सूखे दूध की महक आती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत, मैंने इसको अच्छी तरीके से पकाया है आधा से पौना घंटा तक। और आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए ये बर्फी। और छोटा सा वीडियो लाइक कीजिए पसंद आता है, और चैनल पर कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।